तो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण है। आज की इस नए वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं दिवाली स्पेशल फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता, दिवाली आने में बस 3 से 4 दिन ही बाकी है। एंड गाइस, मैंने सोचा कि आप सभी के लिए एक कॉन्सेप्ट और बना दिया जाए। बाकी गाइस, मैंने इससे पहले भी आप लोगों के लिए 2 वीडियोस बनाई हैं, बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप लोग अगर वहाँ पे जाओ तो चेकआउट कर देना। बाकी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं जो भी बैकग्राउंड थी जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी कैसे, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को ओपन करना है, देन आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप लोगों को जो है यहाँ पे स्काई शॉट के जो पीएनजीज हैं, जो कि मतलब यहाँ पे फायर हो चुके हैं, उनका पीएनजी लेना है। देन आपको इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को इसी का एक डुप्लीकेट बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको इसको पहले रोटेट कर लेना है। एंड रोटेट करने के बाद आपको नीचे की साइड में कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड जो आपका जो नीचे वाला जो पहले वाला था उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देना है इस तरीके से। देन आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे गाइस जो है आप लोग यहाँ पे अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को यहाँ से एक कार का पीएनजी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आपको सिंपली इसको इस टाइप को इस तरीके से रोटेट कर लेना है इस जगह पे। एंड यहाँ पे आपको सिंपली इस तरीके से ऐड कर देना है। एंड जैसे आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, आपको सिंपली फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, जैसे ही आप मॉडल को ऐड करोगे, आपको जो हाइट वगैरह कुछ इस टाइप से रखनी है अपने मॉडल की, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है सिंपली ऐड फोटो में। एंड जैसे आप ऐड फोटो में जाओगे, आपको यहाँ से बैकग्राउंड में से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेना है। एंड उसके बाद आप लोगों को जहाँ फुल स्क्रीन करके एंड मूव डाउन कर देना है। एंड इस डिजिट टूल में जाकर इन्वर्ट कर देना है, एंड ब्रश का साइज इंक्रीज छोटा करके, एंड जो आपको अपने पैरों पे नीचे इस तरीके से शेडो बनानी है, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो भी बना रखी है कि आपको शेडो किस तरीके से बनानी है, तो उसको अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। देन आपको जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम रख लेनी है। एंड जैसे आप इसको कम रखोगे, देन आपको अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट बनाना है। देन आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद कलर्स में जाकर आपको ब्लैक एंड व्हाइट जाकर इसका अमाउंट जीरो करके एंड इन्वर्ट कर देना है। फिर रेजर टूल में जाकर आपको जहाँ से कुछ इस तरीके से पेंट करना है आपको अपने शूज़ के पास, ठीक है, ताकि इससे जो है कि शेडो और जो आपके पैरों पे जो वाइट वाइट है वो दोनों मैच हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब जाएंगे यहाँ से ऐड फोटो में, यहाँ से एक रॉकेट का पीएनजी ऐड करेंगे, ये वाला, ठीक है। आप लोग को भी ये वाला यूज़ करना है, आप चाहो तो कोई दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको रेजर टूल में जाना है। एंड रेजर टूल में जाने के बाद आपको इसका इन्वर्ट करना है, रेजर लेना है। एंड उसके बाद इसका जो ब्रश लेना है, एंड इसको ओपेसिटी जो है फुल कर देना है एंड हार्डनेस। देन आपको इस तरीके से यहाँ पे इसको पेंट करना है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे मतलब आपको चाहिए। जैसे कि मतलब बीच में तो हमें नहीं चाहिए होगा, ये दिखना चाहिए कि हमने रियलिस्टिक तरीके से पकड़ रखा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पेंट करना है। एंड उसका साइज़ वगैरह अपने हिसाब से आप देख लेना, जहाँ जहाँ पे कम लगे वहाँ वहाँ पे कम कर लेना। सो गाइस, जितना हो जाने के बाद आप लोगों को दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक यहाँ पे जो है मतलब कि ये फायर का पीएनजी। एंड जैसे आप फायर का पीएनजी ऐड करोगे, इसके बाद इसको फुल स्क्रीन करके आप कुछ स्टेप से ऐड करना है, ठीक है। यानी कि आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपके फेस के ऊपर कोई आए ना पार्ट, है ना। बाकी अगर आता है तो इरेज कर लेना है, फिर आप उसको साइज़ छोटा करके भी ऐड कर सकते हो। देन आपको फोटो को डन करना है एंड जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड यहाँ से ऐड करने के स्मोक का पीएनजी। एंड जैसे आप इसको ऐड करोगे, आप यहाँ सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको नीचे की साइड में ऐसे रख देना है एंड कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको एक बार और ऐड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से ऐड करना आप सबको ब्लर का पीएनजी, ठीक है, ताकि इससे जो है मतलब कि ऐसा लगेगा कि आप कहीं घास वास के पीछे से आपकी फोटो खींची है ये वाली, तो इसको आपको ऐड करना है। एंड उसके बाद कर देना है डन। एंड गाइस उसके बाद आपको दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड यहाँ से ऐड करना आप सभी को एक यहाँ पे जो है फायर का पीएनजी, जो कि आपको लगाना है यहाँ पे आपको अपने रॉकेट के पास, ठीक है। आप इसको जो है थोड़ा सा ओपेसिटी यहाँ पे कम रख लेना, बाकी जो भी है मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर ओपेसिटी कम में ठीक ना लगे तो आप इसको फुल भी रख सकते हो। देन उसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है गाइस आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है। गाइस आपको एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, ठीक है, सेव मत करना। उससे पहले आपको एक चीज़ और करनी है, जो कि आपको ये लाइट का पीएनजी यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, गाड़ियों के पास, ताकि जो ये रियलिस्टिक सा लुक आए कि मतलब गाड़ी वाड़ी सब कुछ ऑन है और हम पटाखे फोड़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी फोटो को जहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप अपनी फोटो को सेव कर लोगे, देन आपको उसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में। अब लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद पहले जाना आपको लाइट वाला ऑप्शन में। आपको जिसका कॉन्ट्रास्ट है इसको थोड़ा सा पहले इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो हाईलाइट है, हाईलाइट को भी इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। इससे क्या है कि जो भी मतलब लाइट वगैरह जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। देन आपको जो ये शेडो जो है इसको कम कर देना है, जो ब्लैक्स है इसको भी कम कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो वाइट्स को आपको इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना है कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे पहले वाइब्रेशन बढ़ा देना है, इसका जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड चले जाना मिक्स में।
मिक्स में जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप मिक्स में जाओगे आपको ऑरेंज कलर लेना है, इसका जो ल्यूमिनस है पहले मिक्स को इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद इसका सैचुरेशन आपको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर येलो कलर लेना है इसका ह्यू माइनस कर देना है, ग्रीन कलर लेना है इसका भी ह्यू माइनस कर देना है, देन इसका सैचुरेशन भी थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड उसके बाद चल जाना आपको डार्क ब्लू में। डार्क ब्लू में जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे थोड़ा सा इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना है एंड उसके बाद जो इसका ह्यू है थोड़ा सा इसको माइनस कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आपको करना है डन एंड उसके बाद आपको चले जाना कलर ग्रेडिंग वाले टूल में, आपको चले जाना पहले शेडो में, सॉरी हाईलाइट में। हाईलाइट में जाने के बाद आपको इसका जो सैचुरेशन उसको इंक्रीज करना है, इसका जो टोन है इसको रखना है आपको येलो में, ठीक है। फिर उसका चले जाना आपको मिड टोन में, मिड टोन में जाने के बाद आपको जो इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है एंड इसको रखना है आपको ब्लू टोन में, ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद आपको डन करना है एंड उसके बाद चले जाना आपको नीचे इफेक्ट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे पहले फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है एंड फोटो में विग्नेट डाल देना अपने फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जो यहाँ पे फीदर जो इसको इंक्रीज़ कर देना है। फिर चले जाना आपको नीचे वाला टूल में, नीचे वाला टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है एंड फाइनली जो यहाँ पे हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।